दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं आग और बर्फ के लैंड पर। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जो अभी रिसेंटली ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। शानदार ग्लेशियर्स, गरजते हुए झरने और नॉर्दर्न लाइट के लिए ये देश मशहूर है। ये फेमस है अपने वॉल्केनोस के लिए। ये देश मशहूर है अपने स्टाइलिश घोड़ों के लिए। कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट घोड़े आपको यहीं देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है इस देश में जो विश्वास करने से कोसों दूर है, लेकिन सीरियसली ये सच है। कहा जाता है कि इस देश के लोग वेल का मांस खाते हैं। विश्वास हुआ? मुझे भी नहीं हुआ था। ब्लू लगून के लिए फेमस इस देश में 10,000 से भी ज्यादा झरने हैं। जानकर हैरानी होगी आपको कि दिसंबर में इस देश में 23 घंटे तक अंधेरा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा यूनिक सा देश इस पृथ्वी पर है? बिल्कुल है दोस्तों। तो आज आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है आइसलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर और ग्रीनलैंड सागर के बीच स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। ये यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और दुनिया में 18वां सबसे बड़ा आइलैंड है। आइसलैंड की राजधानी रेक्यावीक है। यहाँ की आधी आबादी इसी शहर में रहती है। करीब 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये देश फैला हुआ है। आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है। नतीजतन देश में लंबी गर्मी के दिन और हमेशा अंधेरी सर्दियों की रातें होती हैं। क्या आप जानते हैं आइसलैंड में दिसंबर के महीने में 23 घंटे तक अंधेरा रहता है और जून के महीने में लगभग 22 से 24 घंटे का दिन का उजाला। अगर आप कभी प्रसिद्ध आधी रात के सूरज का अनुभव करना चाहते हैं, जब सूरज आधी रात तक दिखाई देता है, या चमकती उत्तरी रोशनी के नीचे खड़े होना चाहते हैं और इस नॉर्दर्न लाइट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आइसलैंड को भूगर्भीय रूप से काफी एक्टिव माना जाता है। इसमें लगभग 130 ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिसमें से 30 आज भी एक्टिव हैं। देश के भूविज्ञान में थोड़ा सा भी अगर बदलाव हुआ, सबसे निष्क्रिय ज्वालामुखी भी जाग उठेगा और होगा तहलका। एवरेज हर 4 से 5 साल में एक ज्वालामुखी विस्फोट होता ही है। दोस्तों स्टडीज बताती हैं कि आइसलैंड देश का 11% हिस्सा ग्लेशियर्स से ढका हुआ है। ग्लेशियर्स आइसलैंड के मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। आज तक लगभग 279 ग्लेशियर्स का नामकरण किया जा चुका है। आइसलैंड यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर्स वनाजोकुल का भी घर है। लग्जमबर्ग या रोड आइलैंड के आकार से 3 गुना बड़ा है ये। सोचिए, पूरा का पूरा लग्जमबर्ग देश इसमें समा जाएगा। आइसलैंड 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर है दोस्तों। इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर आप समझे तो इसे ज्वालामुखी और भूतापीय गतिविधियों के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है, यानी ये आग के गोले पर खड़ा है। आग और बर्फ की भूमि के रूप में इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आइसलैंड बिजली बनाने के लिए एक प्राकृतिक संसाधनों का सहारा है। आइसलैंड को हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अनुकूल देशों में एक का दर्जा मिला। क्योंकि आइसलैंड में लगभग सभी बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके बनाई जाती है, इसलिए ये समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। दरअसल दोस्तों, राजधानी शहर रेक्यावीक ने 2014 में नॉर्डिक प्रकृति और पर्यावरण पुरस्कार जीता और 2040 तक कार्बन तटस्थ शहर बनने के लक्ष्य की दिशा में वो काम कर रहा है। इसकी योजना 2050 तक पूरी तरह से पूरी भी हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि आइसलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आइसलैंड को धरती का सबसे युवा भूमिखंडों में से एक भी कहा जाता है। ये धरती पर मनुष्यों द्वारा बसाए जाने वाले अंतिम स्थानों में से एक है। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि 1100 साल पहले नॉर्वे के वाइकिंग्स ने संयोग से आइसलैंड की खोज कर ली और इसका नाम आइसलैंड पड़ गया, और तभी से आइसलैंड अस्तित्व में आ गया। आइसलैंड का ब्लू लैगून दुनिया के सबसे मशहूर गर्म झरनों में से एक है दोस्तों। यहाँ का चमकीला नीला पानी लगभग 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक है। मजेदार बात तो ये है कि ब्लू लैगून कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि स्टडीज बताती हैं कि ये साइंटिफिक रीजन से होता है। और हाँ, एक चीज सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे, आइसलैंड में बियर पर 1915 में बैन लगा दिया गया था और 1989 में लोगों द्वारा जनमत संग्रह के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। इसीलिए हर 1 मार्च को देश 74 साल पुराने बियर प्रतिबंध के अंत की याद में एक बियर दिवस मनाने लगा। आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताते हैं। आइसलैंड के इतिहास में आइसलैंडिक घोड़ों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे शुद्ध नस्लों में से एक है। जी हाँ, जो घोड़ा यहाँ मिलता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति ने इसे किस तरह से डिजाइन किया है। इसका शरीर बहुत पुष्ट है,
सर्दियों में इसके लंबे बाल हो जाते हैं और गर्मियों में बाल कम उगते हैं और छोटे होते हैं। इसी के साथ ये इसकी खुद की क्षमता है दोस्तों। आइसलैंडिक घोड़े पूरे देश में पाए जा सकते हैं और उन्हें दोस्ताना और जिज्ञासु दोनों माना जाता है और हमेशा ये लोग फोटोशूट के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ जाएं तो इनके साथ फोटोशूट जरूर कराएं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड में हालांकि क्राइम नहीं है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस काफी मुस्तैद रहती है। अगर इन्हें कोई क्रिमिनल दिखता भी है तो गोली नहीं मारते बल्कि मिर्च स्प्रे करते हैं और डंडों का यूज करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये भी सच है कि 90,000 से ज्यादा नागरिकों के पास यहाँ बंदूक है। आइसलैंड में अपराध बहुत कम है और बंदूकें बहुत ज्यादा, लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पर। दोस्तों कई सालों से एक बात है जो आइसलैंड के लोगों के लिए कही जा रही है, कहा जाता है कि यहाँ के लोग वेल खाते हैं। जी हाँ, आम तौर पर कहा जाता है कि वेल की आबादी में भारी कमी के लिए यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग वेल खाते हैं और वेलिंग उद्योग से बहुत पैसा कमाते हैं। हकीकत में ये विश्वास सच्चाई से बहुत दूर है। ये विश्वास कब और कहां से आया नहीं पता। दोस्तों ये थे आइसलैंड के इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स। लेकिन सीरियसली आइसलैंड बहुत खूबसूरत है, हालांकि यहाँ पर रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो आप यहाँ आ ही सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ जाते हैं चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं रेकजाविक, आइसलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक और लिस्ट में नंबर 1। देश की राजधानी है ये, आप चाहे कहीं से भी यात्रा शुरू करें यहाँ जरूर आइएगा। ये सिर्फ अपनी दिशा पाने के लिए एक सुविधाजनक जगह से कहीं ज्यादा है दोस्तों। आइसलैंडिंग संस्कृति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर करीब 2/3 आइसलैंड वासी रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप यहाँ ढूंढ रहे हैं। दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी के माहौल को महसूस करने का मौसम, साथ ही चहल पहल भरी सड़कें, टहलने के लिए खूबसूरत जगह ओल्ड हार्बर। यहाँ आप शानदार फेक्स फ्लोई खाड़ी के नज़ारे देख सकते हैं, वेल देखने के लिए समुद्र में भी जा सकते हैं और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज करने का केंद्र है ये। दोस्तों आप जा सकते हैं गोल्डन सर्कल, शायद देश का सबसे मशहूर रोड ट्रिप रूट। आइसलैंड में ये वो जगह है जहाँ आप गिरते झरने, फूटते गीजर और बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर्यटक काफी एक्साइटेड रहते हैं। दक्षिण आइसलैंड के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करेंगे आप। दोस्तों डोंट मिस ब्लू लैगून, आइसलैंड दुनिया भर में अपने गर्म झरनों और पुलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के वॉल्केनोज भी काफी एनर्जी स्प्रेड करते हैं, उनके गर्म पानी में आराम से आप नहाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ का स्पा बहुत फेमस है, 45 मिनट की ड्राइव भी करिए, लाड़ प्यार के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करिए। ब्लू लैगून का नाम इसके दूधिया पानी के रंग से लिया गया है। ये स्पा 800 साल पुराने लावा क्षेत्र पर बना है जो पुल को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। इसी के साथ ये बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही सुकून देती है। दोस्तों ये है वतनाजोकुल राष्ट्रीय उद्यान। आइसलैंड की भूमि की सतह का 10वां हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। इसका अधिकांश हिस्सा शक्तिशाली वतनाजोकुल से बना हुआ है। शानदार ग्लेशियर राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में मिलेंगे, जिसका नाम भी इसी से मिलता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाइकिंग बूट्स पहने और क्षेत्र के टेल्स का पता लगाएं, साथ ही घूमने निकल जाएं। दोस्तों ये है मियावाचन झील। यदि आप रिंग रोड के आसपास यात्रा कर रहे हैं तो आप आइसलैंड की सबसे बड़ी झीलों में से एक मियावाचन झील से गुजरेंगे। उत्तरी आइसलैंड में पानी का ये सरप्राइज कर देने वाला एक क्षेत्र है। आइसलैंड को बहुत सारी गतिविधियों के लिए, एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। आई होप दोस्तों ये खूबसूरत जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।